हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। ड्यू टू सम रीजंस हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन अब आपकी रेगुलर वीडियोस आपको मिलेंगी। आज हम बात करते हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 विच इज सर्किल। सर्किल के बारे में इस क्लास में थोड़ा सा हम कह सकते हैं ना कि एक स्टैंडर्ड तरीके से हम सर्किल को समझेंगे। इससे पहले जो हमने सर्किल को समझा उसका भी यूज है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि उसका यूज नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सट्रीम इसको यहाँ पर डिस्कस करना होगा। कैसे, देखो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिकली छोटा सा प्रीवियसली जो प्रीवियस इसकी नॉलेज है वो चीज बता रहा हूं। जो हमारा सर्किल होता है वो एक कर्व फिगर होती है, क्लोज्ड कर्व फिगर, क्लोज भी है कर्व भी है और एक फिगर होती है, 2D फिगर कह सकते हैं हम इसको। ये हमारा सेंटर होता है, ये चीज हमारी सरगम फेरेंस होती है। सरगम फेरेंस से सेंटर तक की दूरी सभी को पता है रेडियस कहलाई जाती है। सेंटर को पास करते हुए ठीक है बी और सी, अगर मैं लाइन क्रॉस करूं जो सरगम्फेरेंस के दो पॉइंट्स को मिला रही है उसको हम कहते हैं डायामीटर। ओके, आगे बात करते हैं। ठीक है, अगर सर सेंटर को पास ना हो लेकिन दो पॉइंट्स को मिला रही हो, दैट इज कॉल्ड कोड डी ई। मैंने यहां पर आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करी हैं, जैसे कि ओ मेरा क्या हो जाता है, सेंटर हो गया, ओ ए मेरी क्या हो गई, रेडियस हो गई, बी सी क्या हो गई, डायमीटर हो गई, अगला डी ई क्या हो गई, कोड हो गई। ओके जी, क्लियर है बात। ये चीज थी प्रीवियस नॉलेज। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें हम और क्या पढ़ने वाले हैं देखें। अब मैं थोड़ा सा यहां पर चलो इसी में ही दिखा देता हूं आपको। अगर मैं यहां पर एक इस तरीके से एफ ये चीज, इसको हम कहते हैं सेक्टर, क्या कहते हैं सेक्टर, ए ओ एफ क्या कहलाया जाएगा सेक्टर, और इसको हम क्या कहेंगे जो कोड को कर कोड कर रहा है। देखो सेक्टर होता है रेडियस के थ्रू, और जो कोड होती है उस कोड के थ्रू जो होता है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट, क्या बोलते हैं सेगमेंट। अब इससे रिलेटेड मैं आपसे बात करता हूं या ओ एफ जी, यहां पर हम लिख देते हैं डी जी ई सेग मेंट। आगे चलते हैं, एक और चीज यहां पर मैं आपको एक छोटा सा सर्किल में, यह आपका सेक्टर हो गया अभी बताया, तो यह आपका बेटा माइनर सेक्टर होता है क्योंकि छोटा है, और यह मेरा मेजर सेक्टर होता है, याद रखिएगा यह 10th क्लास में बहुत काम आने वाला है। इसके अपना एक अलग चैप्टर है। एरिया के अलावा एक और चीज है मैंने यहां पर आपको बनाकर पहले ही तैयार की हुई है, क्या कि देखो ये मेरा एक सेक्टर होता है, यहां पर ये सेक्टर है, इसी तरीके से मेरा देखो यहां पर ये सेक्टर हो गया, ये वाले सेक्टर को हम कहते हैं माइनर सेक्टर और इसको कहते हैं मेजर सेक्टर। इसी तरीके से मैं अगर कोड की बात करता हूं, मान लो ये कोड है, ये वाला मेरा क्या होता है सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, और ये होता है हमारा मेजर सेगमेंट। ठीक है, कुछ चीजें हमारी ये थी जो हमारा काम
में आने वाली है फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं हम। उसमें आपको देखो ध्यान से फिलअप्स दिए हुए हैं, तो अगर मैं फिलअप्स की बात करता हूं तो यहां पर देखो वो कह रहा था सेंटर ऑफ, आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं 10.1 एक्सरसाइज 10.1 फिलअप है, फर्स्ट फिलअप। वो क्या कह रहा है आपको, द सेंटर ऑफ द सर्किल लाए इन द ऑफ द सर्किल, यानी के सेंटर हमारा कहां पड़ता है सर्किल के, इंटीरियर में। तो आपका पहले का आंसर क्या आ गया, इंटीरियर। सेकंड का आंसर क्या आ गया, अ पॉइंट हूज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज ग्रेटर देन द रेडियस लाए इन द, देखो वो क्या कह रहा है, एक सर्किल है सेंटर से और एक कोई पॉइंट है, एक तो हो गई हमारी रेडियस, वो कह रहा है एक पॉइंट है ऐसा जिसके डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है, तो वो जो पॉइंट है वो मेरा पॉइंट कहां पड़ने वाला है, एक्सटीरियर। थर्ड, द लार्जेस्ट कोर्ड ऑफ द डायमीटर, ध्यान रखिएगा लार्जेस्ट कोर्ड हमेशा मेरी, सॉरी लार्जेस्ट कोर्ड जो सर्किल की होती है वो मेरी क्या होती है, डायमीटर। एक डायमीटर कोर्ड हो सकती है लेकिन कोर्ड डायमीटर नहीं हो सकती, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं हमारा, एन आर्क इज आ डैश व्हेन इट एंड्स आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर। देखो ध्यान से मैं बात करता हूं, यहां पर वो कह रहा है एक डायमीटर है, मैं नीचे का साफ कर रहा हूं, वो कह रहा है कि अगर एक डायमीटर के थ्रू आर्क बनाया जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड द, मेरा क्या होगा, सेमी सर्किल कहलाया जाता है, हाफ सर्किल भी बोलते हैं इसको, सेमी सर्किल। फिफ्थ पार्ट, सेगमेंट ऑफ द सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द डैश। देखो सेगमेंट अभी समझाया ना, ये सेगमेंट वो कह रहा है एक आर्क और एक कोण के थ्रू बटा हुआ होता है, तो आंसर आपका क्या जाएगा, कोण। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, वो कह रहा है सर्किल है, सेगमेंट है, सेगमेंट में एक तो आर्क आता है और क्या चीज आती है, कोण आती है, सो दैट्स माय आंसर इज कोण। अगला, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू, ध्यान रखिएगा किसी भी प्लेन में अगर मैं सर्कल बनाता हूं तो वो उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये मेरे फिलअप्स यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं, यहां पर मैंने साइड में इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये चीज है आपकी, इसी में इंक्लूड है, तो ध्यान से समझकर करेंगे। अगला क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स गिव रीजन फॉर योर आंसर। वो कह रहा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज अ रेडियस ऑफ द सर्किल, बिल्कुल ठीक है। वो कह रहा है कि सेंटर से सर्किल पर कोई सी भी लाइन करूं वो मेरी रेडियस ही तो कहलाई जाएगी, बिल्कुल ट्रू। तो यहां पर मैं ट्रू फॉल्स लिख रहा हूं, पहले पार्ट का ट्रू है। रीजन क्या है, बिकॉज वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस इज रेडियस। अभी समझाया सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वो मेरी क्या कहलाई जाती है, रेडियस। अगला, अ सर्किल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ द इक्वल कोर्ड्स। एक सर्किल में कोर्ड्स को हम गिन सकते हैं, देखो ध्यान से इस चीज को ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि देखो ध्यान से, हमारा एक सर्किल जो होता है वो बहुत छोटे 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 पॉइंट से मिलकर बनता है, लाइक दैट। अब मैं कोई कोर्ड खींचता हूं तो कोर्ड तो दो पॉइंट को मिलाएगी, ये भी दो पॉइंट को मिलाएगी, ये भी किसी ना किसी को, तो यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बन रहा है, तो दैट्स व्हाई फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बन रहा है, तो फाइनाइट कोर्ड्स ही होंगी, ठीक है। तो दैट्स इट, आंसर इज ट्रू। थर्ड वन, इफ अ सर्किल इज डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल आर्क्स ईच इज अ मेजर आर्क, खुद सोचो वो कह रहा है आपको कि एक सर्किल है वो तीन इक्वल पार्ट्स में बट रहा है,
ये भी एंगल 120, ये भी एंगल 120, ये भी एंगल 120, भैया ये आपने कैसे निकाला? टोटल एंगल 360 होता है, अपॉन 3 कर दो, इक्वल पार्ट हो जाएंगे। तो ये इक्वल आर्क, इक्वल एंगल के थ्रू इक्वल आर्क ही तो खींचे जाते हैं, ठीक है? तो मेजर आर्क नहीं होगा, फॉल्स। फोर्थ, अ कोड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। बिल्कुल, एक कोड जो डायमीटर की दोगुनी होती है, तो छोटी क्लास में पढ़ा है कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 × r। बिल्कुल ट्रू है। फिफ्थ में वो क्या कह रहा है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर, सेक्टर कहा है हमारा, ये रहा। वो कह रहा है इसमें कहीं कोड आ रही है क्या? नहीं आ रही ना, कोड से तो सेगमेंट बनती है। सो दैट्स व्हाई फॉल्स। और इसका रीजन क्या हुआ, क्यों? क्योंकि वो सेक्टर जो होता है वो रेडियस और सर्कमफेरेंस पर, सर्कमफेरेंस के थ्रू बनता है, ना कि कोड के थ्रू। अगला, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। बिल्कुल प्लेन फिगर है, हम इसको टू डायमेंशनल देख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई जितनी भी टू डायमेंशन में आती हैं फिगर्स, वो हमारी क्या होती हैं, प्लेन फिगर्स होती हैं। सो दैट्स व्हाई ट्रू। सिक्स्थ पार्ट, यहां पर आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है? आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरम है, वो थ्योरम आपको, दो थ्योरम है उसमें, दोनों थ्योरम आपको कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन भी उसके करने वाले हैं। ओके बेटा, थैंक यू।